दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। केजरीवाल ने कहा कि हम जेल और फांसी से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमने 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। सीएम ने कहा कि इनमें अनेक लोगों ने ही बताया है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, और जब हमने इनके लोगों से पूछा कि किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा तो कई लोगों ने कहा कि कोई केस नहीं है, केस अभी खोजा जा रहा है। मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के ख़िलाफ़ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ़्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था, इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ़्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ़्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ़्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ़्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा